क्या नाम? हुआ है आपका? और सबसे पहले अपना नाम बताएं, और पिक्चर में किस तरह की दिक्कतें आपको आई, और क्या सारा मामला क्या मामला है? क्या है? पहले तो आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरी व्यथा सुनने के लिए, मेरे परिवार की व्यथा सुनने के लिए यहाँ पर आए। गदर 2 की शूटिंग हमारे घर में हुई 23 नवंबर को। गदर 2 की यूनिट एक हमारे मिनट, धन्यवाद, स्वागत है। 4 या 5 तारीख की बात है, तो 3 लोग आए और कहा कि ये मकान किसका है। मैंने कहा मेरा है। तो कहते हैं कि हमने यहाँ गदर पार्ट 2 की शूटिंग करनी है, तो आपने कभी पिक्चर देखी है गदर? मैंने कहा नहीं देखी है। तो वो आकर के बैठ के बताने लगे कि ये सन्नी देओल जी और अमीषा पटेल जी इसमें काम कर रहे हैं, तो आप अलो करें तो हम शूटिंग करेंगे। मैंने कहा भाई देखो, कब से कब तक करना है, मुझे तो किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो उसने कहा कि 1 से 10 तक, हम 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हम शूटिंग करेंगे, और 3 4 रोज़ फिर बाहर रात को डांस पार्टी करेंगे। तो मैंने कहा, तो फिर मैंने कहा कि बच्चों से पूछ लूँगा, इससे पहले मैं अपना डिसीज़न कोई नहीं लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी अभी हमें डिसीज़न दो, नहीं तो फिर हम कहीं और जाएंगे, ढूंढेंगे कहीं कुछ। मैंने कहा भाई तो इतनी जल्दी नहीं होगा, तो बच्चे से पूछ लूँगा, बच्चा क्या करता है? मैंने कहा ये पुणे में सर्विस करता है। कितने पैसों की बात हुई थी आपसे, तो उन्होंने 11,000 रुपया पर डे उन्होंने कहा। कितने मैंने कमरे कुछ नहीं का? कहा, कमरे दो, एक हॉल दो कमरे के बारे में बात करी। तो फिर वो 23 तारीख को इधर आ गए, तो उन्होंने फिर अल्ट्रेशन करी और कहते हैं कि हम इसको रिवोक कर देंगे, जैसा आप कहोगे, जो स्ट्रक्चर रखना है आपने रख लेना, नहीं तो हम उसको ले जाएंगे वापस। मैंने कहा भाई ठीक है, पर बेटे से बात कर लेना। बोले गिव मी हिज नंबर। तो एग्जीक्यूटिव जो प्रोड्यूसर था उसने कहा कि उसका नंबर दे दो। मैंने कहा भाई उससे बात कर लेना बेटे से। फिर उसने उस दिन भी नहीं करी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन मैसेज डाला, कोई कमर्शियल टॉक नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि हम आपको इसके पैसे देंगे 11,000 रुपया पर डे। तो मैंने कहा भाई काय के पैसे? कहते कि हम ये शूटिंग करेंगे आपके। मैंने कहा बेटा बात करेगा। मैंने उसके बारे में ना तो 10,000 का ना बारह हज़ार क्या का आपको कोई प्रताड़ना हुई? क्या आप अब हैरेस हुए उससे उस ऐसा शूटिंग के है माहौल कि से? अब मुझे तो ये कुछ मालूम नहीं था। तो कहते हैं कि हम रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे। मैंने, यार जब जवान हो जाती है ना, बात शूटिंग की है तो कर ली हमने। कहते हैं हाँ अच्छा, ये हाँ ठीक है, ये भी बात ठीक है आपकी। मैंने कहा बर्बल तो ये कर ली, पर बेटे से बात होगी, आप बेटे से बात कर लेना। आपको हरासमेंट हुई इतने हाँ दिन जब जी शूटिंग के बहुत, दिन? जी बहुत। मैं तो बीमार हो गया था, 4 5 दिन बीमार रहा। तो अब अब कंपनी शूटिंग कर चुकी है, यहाँ से जा चुकी है, हाँ जी, आपसे किया हुआ वादा पूरा हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ तो वो। अब आपकी तरफ से क्या